कट में इसकी कहानी समझ लीजिए, अभी तक मैंने बहुत एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा वहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपको कुछ ज़्यादा क्लियर हो रहा है, समझिए। ये नीचे जो है इंडियन नंबर सिस्टम है, ये भैया इंडियन है, हाँ इंडियन दिख रहा होगा आपको, ये इंटरनेशनल है, आप समझ के चलो। ये भाषा तो इंग्लिश लिखी गई है दोनों में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हिंदी में है, हमारे यहाँ की इंडियन नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल है। ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इसमें भी वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, इसमें देखो टेन थाउजेंड है, इसमें भी टेन थाउजेंड है, इसमें लाख हो जाता है, इसमें हंड्रेड लाख मतलब सौ लाख, इसमें दस लाख, इसमें मिलियन, इसमें दस मिलियन, इसमें करोड़, इसमें दस करोड़, इसमें सौ मिलियन, इसमें बिलियन हो जाता है, इसमें अरब हो जाता है, ठीक है, ये मतलब है। चलो जैसे हम इसमें से कोई गिनती आपको गिना के दिखा देते हैं इसी पे रख के स्ट्रक्चर पे, तो आप सभी मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा पाँच नौ एक सात, तो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे। जो मैंने नीचे लिखा है नंबर, केवल तुम्हें इसको ध्यान देना है, ऊपर खाना वाले में नहीं। हम लोग अपने देसी भाषा में बात करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यही पढ़ते आए हैं, हजार यहाँ पे हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हजार मतलब एक गिनती, दस हजार होता तो दो गिनती पकड़ते हैं, तो पाँच हजार इसको छुपा लें तो क्या बचा, नौ सौ सत्रह, यानी पाँच हजार नौ सौ सत्रह। लेकिन अगर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बात करें, इंटरनेशनल छोड़ो, उसके पहले इसको इंग्लिश में बात करो, इंडियन नंबर सिस्टम में ही पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो, जैसे सीबीएसई वाले पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ोगे भाई, फाइव किसकी जगह पे आ रहा, थाउजेंड की जगह पे ना, तो फाइव थाउजेंड, हंड्रेड की जगह पे आ रहा, नाइन आ रहा ना, देखो हंड्रेड नाइन, फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवनटीन, क्या पढ़ेंगे, फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवनटीन, याद रखना सेवनटीन बोलेंगे, टीन तीन जानते हो ना, अगर सेवनटी बोलेंगे तो फिर सत्तर हो गया, हो इंग्लिश का वन टू भी पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवनटीन, इतना हो गया। तो ये तो छोटा सा था कहानी, आप समझ गए आसानी से, लेकिन अब इधर देखो अगर इसमें थोड़ा सा बड़ा करें, तब जैसे मान लो कि मैंने इसमें बढ़ा लिया कोई गिनती, और भी चार छः बढ़ा लिया, यहाँ पे आप समझो, मुझे लग रहा है थोड़ा वीडियो कुछ गड़बड़वा रहा है का, हाँ भाई रुक जा यार काहे को, देखो यहाँ पे पाँच, ये एक और ये मान लो दो, चलो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइए यहाँ तक। सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम में इसको पढ़ते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होगा भैया, जरा देखो समझो। हिंदी में पहले बात करें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, यही बन रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार फिर लाख दस लाख, कुछ और बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो दस लाख का मतलब दस की बात आ रही, मतलब दो गिनती मिला के लेके चलेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा इक्कीस, इसको भी मिला लेंगे, और ये कामामा हटा दो जो पहले लगा था, अब इसको छुपा लो तो कितना बचा भाई, इतने को गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार यानी पचपन हजार, और नौ सौ सत्रह यानी हम कह सकते हैं इक्कीस लाख पचपन हजार नौ सौ सत्रह, क्या पढ़ेंगे, इक्कीस लाख पचपन हजार नौ सौ सत्रह। इसके आगे रुको थोड़ा सा।